25/2/2023 उन्नत भारत मेरिट अभियान की तरफ से खारपा गांव के गवर्नमेंट स्कूल में आज हमने 5 राइट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स डोनेट किए हैं, जिसमें से एक हमने आज डोनेट किया है। क्या नाम है आपका बेटा? है पायल मालवीय। पूरा जोर से बोलो, पायल मालवीय। ओके, आपका क्या नाम है पापा का? मोहन मालवीय। अच्छा, तो इनको ये आज हमारे तरफ से, जो हमारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं उन्नत भारत अभियान के, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्नत भारत अभियान स्टूडेंट सेल के सुधांशु पांडे, वाइस प्रेसिडेंट हैं संस्कृति राजपूत, और वन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टूडेंट सेल उन्नत भारत अभियान संजना यादव हैं। और ये हम आपको देते हैं ताकि आप इससे बच्चे को आगे पढ़ाई करवाएं, ठीक है। जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड आपको हार्ड डिस्क भी दे दी जाएगी, ताकि आप JEE या नीट या जो भी एग्ज़ाम आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सब बढ़िया, उन्नति कर लड़के तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, उसमें आपके सहयोग से जैसे पढ़ी रही है वो लगाना चाह रहा है, अपन लगा नहीं चाह रहे हैं, उसके हो जाते और बढ़िया है। आप मदद करोगे बच्चे को आगे पढ़ाओगे? सर पढ़ाएंगे क्यों नहीं, शादी तो नहीं करोगे जल्दी इसकी? नहीं सर, अभी कुछ नहीं, देख लो। तो पापा की शादी की बात भी नहीं करते। हाँ, अच्छी बात नहीं करते तो आगे पढ़ना है, शादी कर दोगे तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ। चलो अच्छी बात, आगे पढ़ाओगे, अगर जॉब लगेगी तो दहेज नहीं देना पड़ेगा। सुधांशु, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे जो उन्नत भारत अभियान है उससे एजुकेशन के सेक्टर में हम जितना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाए, जैसे बाकी और भी काम जो हमने किए हैं वो छोटे स्तर पर काफी अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए अगर हम देखें तो ये काफी अच्छा काम होगा एजुकेशन में। इनके थ्रू और भी लोग प्रेरित होंगे आने वाले समय में। ये अच्छा करती हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव की जो बाकी लड़कियां हैं उनके लिए भी एक काफी अच्छा मार्गदर्शन कर पाएंगे और उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे कि वो भी ऐसे ही पढ़ाई करके इनसे गाइडेंस लेके, और हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन तो हमेशा बना ही रहेगा, खारपा हमारे अंडर में है UBA के अंदर, तो हम उस पर काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे। आगे इनकी डाउट सॉल्विंग हो या फिर जो भी इनको डाउट्स आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, वी ऑल हैव क्लियर द JEE एग्जाम, सो हम उसको अच्छे से करते रहेंगे। वेरी गुड। तो यही सब हमारा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन यही है, हम यही कोशिश करते रहेंगे कि एजुकेशन में जाए चीजें, ताकि वो एक गांधी जी का भी कहना था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट ऑन दैट डायरेक्शन ऑल्सो, सो इट्स गोना बी वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी थिंग व्हिच वी आर ट्राइंग टू डू फ्रॉम आवर साइड। बढ़िया। इससे पहले था कंप्यूटर आपके पास कभी? देखा आपने? देखा कभी कंप्यूटर डेस्कटॉप? कहाँ देखा? हमारे स्कूल में कंप्यूटर है, मतलब वो हम नहीं चलाते, लेकिन हमारे टीचर उनके पास कंप्यूटर है और ऑनलाइन शॉप उन पर जाते हैं, वहाँ पर भी कंप्यूटर देखे हैं। लेकिन आपके पास पर्सनल नहीं था? पर्सनल नहीं। क्या प्रॉब्लम आती थी इससे ना होने से? बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे? सर जैसे कि मतलब इस पर टाइपिंग करनी नहीं आती कंप्यूटर पर हमें, और इससे पढ़ाई इजी हो जाती है। चलो तो आप इसको ध्यान से रखोगे आगे है? हाँ, डैमेज तो नहीं करोगे? फायदा होगा आपको कंप्यूटर मिलने से, पढ़ाई इजी हो जाएगी और हम इस पर टाइपिंग करना सीख जाएंगे, मतलब जो डाउट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएंगे। और अभी तो आप अपने स्कूल में टीचर हो से पढ़ते हो, कंप्यूटर जो आपकी सीमा है उसको खत्म करते हुए आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हो, तो कोई रोक नहीं है अब आपको, जो भी आप चीज सीखना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आपको लगे कि अगर उस लेवल के टीचर नहीं है या फिर उतना ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी अब आपको इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर के थ्रू मिल जाया करेगा। और सबसे बड़ी बात, टाइम भी बचेगा तुम्हारा। डेस्कटॉप के साथ आप किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जो भी चीज आप सीख सकते हैं अपनी खुद के हिसाब से आप सीख सकते हैं, और ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी इनिशिएटिव है उन्नत भारत अभियान का, जिससे कि हमें मौका मिला है, और ये आपके लिए भी बहुत एक बड़ा रिवॉल्यूशन है मैं तो बोलूँगा, और जिसको आप पूरी एफिशिएंसी से यूटिलाइज करें और इसका आउटपुट निकालें। और आपको? हाँ बताइए। मैम हमने सोचा था कि हम 12th में कंप्यूटर जरूर लेंगे, एग्जाम के बाद मिलता है ना 75 मार्क्स से ऊपर आते हैं, चला। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। बस मेरा आपसे ये कहना है कि हम ऐसा प्रोविजन करेंगे इसमें, जैसे आप 12th तक इसको रखेंगे, फिर इसको आप दूसरे स्टूडेंट को देंगे जो नीडी होगा, ठीक है ना? नहीं, हम लिखित में हम करेंगे उस चीज को। चलो, और कुछ कहना है आपको किसी को? मास्टर जी आप कुछ? कुछ नहीं कहना। कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद, आपको बच्चे को मिल रहा है, बच्चे योग्य नहीं है कि वो खरीद सके, मतलब आपके उसके मार्गदर्शन से उसको मिल गया।
चलो थैंक यू सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सर बहुत खुश हूँ सर, बालक को मिल गया, गरीब बालक को मिला, आगे पढ़ेगी लिखेगी बढ़िया, आपको भी धन्यवाद देगी। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। चलो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ऑल द यूबीए टीम एंड द फादर ऑफ द गर्ल, थैंक यू।